सो गाइस बंद करो ये रूमर फैलाना कि शुरी मर चुकी है, और इस बात को कंफर्म कर दिया गया है। किसी ने भी ये बात कंफर्म नहीं की है, ना ही केविन फाइगी ने, ना ही रूसो ब्रदर्स ने, और ना ही एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के स्क्रीन राइटर्स क्रिस्टोफर मार्क्स, और ना ही स्टैन मिकफीली ने ये बात कन्फर्म की है। तो ऐसे में शुरी की डेथ जो है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में एक अनआंसर्ड क्वेश्चन है, जिसका आंसर हमें एवेंजर्स 4 में मिल जाएगा। और शुरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है टोनी स्टार्क के बाद एवेंजर्स 4 में, और शुरी जो है एवेंजर्स 4 में हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज एलिमेंट भी हो सकती है। सो अगला क्वेश्चन पूछते हैं विक्रम आदित्य, और ये पूछते हैं कि टोनी स्टार्क सोल स्टोन को हासिल करने के लिए किसको सैक्रिफाइस करेगा। तो बहुत सारी थ्योरीज आ रही है कि यहाँ पे टोनी स्टार्क पेपर पॉट्स को सैक्रिफाइस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एवेंजर्स 4 का ऑफिशियल साइनॉप्सिस देखा होगा तो वहाँ पे कहा गया था कि हमारे एवेंजर्स को कुछ बहुत ही बड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे अपनी इस फ्रेजाइल रियलिटी जो कि थैनोस ने बनाई है, यानी कि अपना फिंगर स्नैप करने के बाद जो भी चेंज हुआ है थैनोस की वजह से, उसको चेंज करने के लिए हमारे एवेंजर्स को बहुत ही हार्श सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, जो कि एवेंजर्स और एमसीयू के लिए जो है बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। अब यहां पे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हमें सरप्राइज एलिमेंट कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं जो कि सैक्रिफाइस कर सकते हैं सोल स्टोन के लिए किसी भी कैरेक्टर को एवेंजर्स 4 में, तो इसका जवाब हमें मूवी में ही मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन पूछते हैं अजय शर्मा, डिज्नी फॉक्स डील से रिलेटेड, क्या ये डील टूट चुकी है? नहीं यार, ये डील अभी टूटी नहीं है, अभी जो है फॉक्स का डिसीजन अभी लेना बाकी है कि क्या वो इस डील को जो है डिज्नी के साथ करना चाहती है, क्योंकि अब मसला यहां पे ये हो गया है कि एक्चुअली में जो है कॉमकास्ट ये जो है फॉक्स को बाय करने के लिए कैश में मनी दे रहा है, जबकि डिज्नी ने ऑफर किए थे 52 बिलियन, जिसमें से ज्यादातर पैसे जो है अपने शेयर मार्केट में या फिर जो है एक ऐसे शेयर्स में जो है ऑफर कर रहा था ये फॉक्स को, लेकिन यहां पे जो है कॉमकास्ट जो है फॉक्स से कह रहा है कि हम आपको हाथों हाथ कैश देंगे, वो भी 60 बिलियन, यानी कि 8 बिलियन ज्यादा ये दे रही है डिज्नी से। तो यहां पे अभी फॉक्स को डिसाइड करना बाकी है कि क्या वो जो है डिज्नी के साथ डील या रखे या फिर तोड़े। मुझे नहीं लगता कि यहां पे जो है फॉक्स अपना नुकसान करना चाहेगा, क्योंकि 8 बिलियन का फायदा हो रहा है यहां पे फॉक्स को, लेकिन अभी ये डील टूटी नहीं है, ऑफिशियल कंफर्मेशन आने पे मैं आपको बता दूंगा। और अब बारी है सबसे कंफ्यूजिंग सवाल की, तो ये सवाल पूछा है तमित ने, और ये पूछते हैं कि क्या जो है हल्क को थैनोस ने जो है इन्फिनिटी स्टोन यानी कि पावर स्टोन का मदद करके इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग में हरा दिया था? तो जब भी आपने ध्यान दिया होगा थैनोस ने किसी भी इन्फिनिटी स्टोन को यूज़ किया है इन्फिनिटी वॉर में, तो वो इन्फिनिटी स्टोन जो है ग्लो होता था। फॉर एग्जाम्पल स्पेस स्टोन का अगर यूज़ किया तो वो स्टोन जो है ग्लो होता था यूज़ करने के वक्त, लेकिन थैनोस और हल्क की फाइट में जो है पावर स्टोन बिल्कुल भी ग्लो नहीं हुआ, जिसका मतलब यह है कि थैनोस ने हल्क को जो है अपनी पावर एबिलिटी यानी कि सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी और इसके अलावा जो है अपने वॉरियर एबिलिटीज के बिना पर जो है हरा दिया था, और बिल्कुल भी वहां पे पावर स्टोन का यूज नहीं हुआ था। और अगला क्वेश्चन पूछते हैं आरएस आदिल, और उनका यह कहना है कि एवेंजर्स 4 में क्या थॉर ओडिन फोर्स का यूज करेंगे? ओडिन फोर्स का यहां पे मतलब है प्योर एनर्जी, और अगर हम बात करें कि ओडिन को क्यों सबसे ज्यादा ताकतवर समझा जाता है, क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा प्योर एनर्जी यानी कि ओडिन फोर्स है। और अगर आप बात करें थॉर की, तो थॉर जो है कर सकते हैं यूज ओडिन फोर्स का, क्योंकि काफी ज्यादा वो भी ओल्ड है, और हमने एवेंजर्स इंफिनिटी वॉर में थॉर के मुंह से ही सुना कि वो 1500 इयर्स ओल्ड है, और हमें पता है कि जितना एसगार्डियंस ओल्ड होते जाते हैं उतनी ही उनकी पावर्स भी बढ़ती जाती है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मोर पावरफुल थॉर हमें जो है एवेंजर्स 4 में भी नजर आएंगे, जैसे एवेंजर्स इंफिनिटी वॉर में आए थे। और अगला क्वेश्चन पूछा है हसन गनी ने, और ये पूछते हैं कि टोनी स्टार्क के अलावा जो है एवेंजर्स 4 मूवी को कौन लीड कर सकता है? तो यहां पे जो है डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट मोमेंट्स पे जो है हमें डिफरेंट कैरेक्टर्स जो है लीड करते हुए आ सकते हैं अपनी अपनी टीम्स को, क्योंकि हमें एवेंजर्स 4 में एक टीम अप नहीं बल्कि कई सारे टीम अप देखने को मिल सकते हैं। जैसे कैप्टन अमेरिका भी लीड कर सकते हैं एवेंजर्स 4 में एक ट्रूप को, एक टीम अप को, दूसरी तरीके से जो है कैप्टन मार्वल भी लीड कर सकती है, और उसके अलावा थॉर भी जो है लीड कर सकते हैं, यानी कि हमें डिफरेंट टीम अप जो है देखने को मिलेंगे एवेंजर्स 4। गाइस अब बारी आती है रैपिड फायर राउंड की, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है अमान, और मैं रहता हूँ जम्मू एंड कश्मीर में, और मेरी एज क्या है? मेरी एज है 20। इसके अलावा जो है मैं करता क्या हूँ यार? मैं पढ़ता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, और इसके अलावा जो है मेरी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं यूट्यूब कर रहा हूँ उसी के साथ ज़्यादा टाइम बिजी रहता हूँ, और ऐसे में कोई चांस ही नहीं बनता उसका। मेरा एमसीयू में सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है? आयरन मैन है, और फीमेल में कैप्टन मार्वल है। और उसके अलावा क्या, मैंने कब से जो है मार्वल की मूवीज देखना स्टार्ट किया है? तो वो है यार 2010 से, जब मैंने पहली बार आयरन मैन मूवी देखी। और उसके अलावा मैं ट्रांसफॉर्मर सीरीज का भी बहुत ही बड़ा फैन रहा हूँ, और शर्लॉक होम्स का भी बहुत ही बड़ा फैन। तो गाइस ये था मेरे थर्ड Q&A का फर्स्ट पार्ट, और दो पार्ट जो है और आ रहे हैं, और इसका अगला पार्ट जो है 2 दिन बाद आएगा, यानी कि फ्राइडे तक मैं इसका दूसरा पार्ट भी लाऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये Q&A वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस अगर आपको मेरे थर्ड Q&A का फर्स्ट पार्ट और ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।